हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वामी और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एडू पॉकेट पे। और देखिए, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक पढ़ा था। आज हम जो शुरू करेंगे वो प्योर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे हम। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, दो वर्ड से पहले बना होता है कि इसमें मेरे को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रिगोनो दिखाई दे रहा है, एक मैट्री दिखाई दे रहा है। तो इधर लिख लेता हूं मैं धीरे से कि ये ट्रिगोनो है और ये मैट्री है। ट्रिगोनो का सीधा सा मीन समझो, हमारे काम का वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे जो काम का वर्ड है वो ये है। हमारे काम का वर्ड है वो ये है। ट्रिगोनो का मीन्स होता है ट्राइंगल, यानी तीन साइड वाला, थ्री साइड वाला। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है। यानी कि इन दोनों वर्ड से देखो, ये दोनों वर्ड मिल रहे हैं, यानी दोनों वर्ड को मिलाएंगे तब ट्राइंगल मेजरमेंट बनेगा। यानी कि सीधा सा दिमाग में आता है, सर मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। जो भी हम ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है ये। जो भी कथा शुरू होती है ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होती है पहले। तो मैं एक सीधी सी बात करता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेता हूँ। ये लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। सबको पता होता है राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनता है, जहाँ पे एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जहाँ पे एक ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। बाकी के ये दो जो एंगल होते हैं ये एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे दोनों, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये जो दोनों एंगल होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो हम जनरली बात करेंगे, हम या तो एंगल निकालेंगे ट्राइंगल के अंदर, या हम साइड्स निकालेंगे ट्राइंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम या तो ये इन तीनों एंगल में से, इन दोनों एंगल के लिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक 90 फिक्स होता है, या तो इन दोनों एंगल की बात करेंगे या तीनों साइड की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इस 90 डिग्री के एंगल के एकदम सामने जो होती है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है इस ट्राइंगल की। उस सबसे बड़ी लेंथ को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और देखिए, यहाँ पे एंगल होता है, देखिए ये जो एंगल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये दोनों एंगल है ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। देखिए, पहले मैं इस एंगल की बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने अगर एंगल थीटा ले रखा है, क्योंकि ये तो नोन होगा, अननोन ये दोनों होंगे, तो दोनों में से या तो कोई एक गिवन होगा। तो अब इसमें देखिए, जब गिवन ये है मेरे पास थीटा, ठीक है, तो ये कैसे करेगा कि ये जो थीटा गिवन है इसके सामने एकदम, देखिए ये जो एकदम सामने है थीटा के एकदम सामने जो स्ट्रेट है, जो वर्ड बोल रहा हूँ स्ट्रेट, उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा के सामने जो स्ट्रेट है वो जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो थीटा के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट जो लाइन है थीटा के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बेस बोलते हैं। देखिए, मैंने दो वर्ड बोले हैं, एक तो थीटा के एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट, और एक जो थीटा के साथ में कनेक्ट कनेक्ट। तो ये जो बेस हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। जब थीटा यहाँ पे लिया हुआ है मेरा, दूसरा राइट एंगल बनाता हूँ मैं, ये कुछ ऐसा है, ये राइट एंगल बना, इस बार ये तो 90 डिग्री होगा, थीटा इस बार ले लेता हूँ ये, क्या फर्क पड़ेगा देखिए अभी बताते हैं। ए बी एंड सी नाम भी दे दिया, ये जो थीटा है, अब इस थीटा के देखो 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसको तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये तो सीधी सी बात है, ये हाइपोटेनियस, एच से भी लिखते हैं इसको डायरेक्ट। और ये देखिए, अब थीटा है, अब इसमें क्या हो जाता है, जैसे थीटा चेंज होता है परपेंडिकुलर बेस होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन है, देखिए थीटा के एकदम सामने कौन है, थीटा के एकदम सामने कौन है, सामने ये वाली साइड है, ये वाली साइड इस बार परपेंडिकुलर होगी, थीटा के एकदम सामने स्ट्रेट, जो वर्ड है स्ट्रेट उस पर ध्यान दीजिएगा, आगे यूज बताऊंगा इस स्ट्रेट वर्ड का। और ये जो एंगल थीटा के साथ में जो कनेक्टेड लाइन है, कनेक्टेड, इस कनेक्टेड को भी ध्यान दीजिएगा, आगे यूज बताऊंगा इसका, बेस। इन दोनों एंगल के लिए हम समझ चुके हैं कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो रहे हैं।
तो अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस, उन्होंने क्या दी थी, एक थ्योरम दी थी, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है वो शो करता है। देखिए रिलेशन क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि हमें कोई भी ट्राइंगल के अंदर दिए थे ये जो हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, सब वैल्यूज हैं, सब एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, जैसे हम इनमें पुट करेंगे तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई कैसे, देखिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, जैसे ये लेंथ ले ली, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल ए बी सी है। पाइथागोरस थ्योरम में देखो सेटिस्फाई करवा के बताते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि ये जो 5 है ये हाइपोटेनियस है। एंगल कौन सा ले लो, एंगल ये ले लो, चलो एंगल ये ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है। एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर है ये। एंगल से कनेक्ट कौन है, ये बेस है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखो इसके एलएचएस में कौन है, हाइपोटेनियस है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। प्लस बेस कौन है, बेस 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 16 प्लस 9 25 होता है। देखिए यहाँ पे भी 25 था, यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर था वो भी 25 था, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मिलकर भी 25 बना रहा है। यानी कि ये जो बात है, ये जो थ्योरम है, वो हर एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लागू होती है, ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ये बात समझ में आ गई, एंगल लेना समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव लेना हमने सीख लिया, थ्योरम भी सीखी है। देखिए इस थ्योरम के लिए अगर मैं बात करूँ, ये जो थीटा एंगल है वो इस थ्योरम पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे कि इस थ्योरम के लिए बात करता हूं तो हाइपोटेनियस कौन है, इधर AC का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर कौन है, AB है, तो AB का स्क्वायर। प्लस बेस कौन है, बेस हमारा BC है, ये लेंथ होती है, उसको नाम ऐसे दिया जाता है जब हमें नहीं पता होता कि कौन है, तो नाम ऐसे दिया जाता है BC, जो एस्केप पॉइंट होते हैं। इधर लाइन कौन सी है, AB, तो ये AB का स्क्वायर। ये कौन है, AC का स्क्वायर, यानी कि ये वाली लाइन। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये तो इसके लिए है। मैं उस ट्राइंगल के लिए बात करता हूं तो यहां पे देखिए मेरा हाइपोटेनियस कौन है, AC का स्क्वायर। मेरा यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, अब परपेंडिकुलर यहां पे ये है, तो BC का स्क्वायर। प्लस यहां पे मेरा बेस कौन है, AB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बात तो एक ही है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर एडिशन करूँ या BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर एडिशन करूँ, एक ही बात है। तो ये जो थीटा है मेरा, वो पाइथागोरस थ्योरम पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। ये इम्पैक्ट आगे डालेगा जब हमें एंगल पता होंगे ये, या एंगल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जब हमने सब कुछ समझ लिया है, तो आगे जो बात आती है वो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पे आ जाती है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट अब इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है चलना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री फैमिली है, उसके अंदर 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर कौन से हैं, एक है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा जो है यहाँ पे एंगल है, और ये जो थीटा एंगल है वो साइन के ऊपर लगता है, वो कॉस के ऊपर लगता है, वो टेन के ऊपर लगता है। अब देखिए मैं लिखता हूँ, ये 3 मेंबर हो गए, बाकी के 3 मेंबर कौन से हैं, ये मेंबर है कॉसेक थीटा, ये है सेक थीटा, और ये है कॉट थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा का क्या होता है, देखिए मैंने वर्ड बोले थे, एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ये ट्राइंगल है, ले लेता हूँ नाम, ले लिए मैंने ए बी सी, नाम रख दिया मैंने, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है,
ठीक है। देखिए थीटा के सामने एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो कनेक्ट होता है वो बेस होता है। तो जो दो वर्ड बोले ध्यान रखना उसके, एक तो स्ट्रेट और एक बेस जो कनेक्ट है। बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात से मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको। देखिए साइन थीटा का अब रेशियो है, रेशियो तो सर हमें कुछ अपॉन फॉर्म में होते हैं कि रेशियो कैसे होते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों के अंदर क्या होता है, एक रिलेशन होता है। अब इन रिलेशन से क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा देखिए हमें फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए मेन जो फॉर्मूला है साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला है, बाकी जो फॉर्मूले बनते हैं वो इन दोनों से बन जाते हैं। बाकी के फॉर्मूले साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, उसमें डिवाइड लगाएंगे हम कॉस थीटा का। यानी कि ये साथ में फॉर्मूला भी हम ध्यान रखेंगे कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला भी होता है। साइन थीटा, अब साइन थीटा को हमने देखो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कॉस थीटा कौन होता है, बी अपॉन एच, ये एच से एच कैंसिल हो जाता है तो पी अपॉन बी। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आया, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी आ गया। पी अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, सोचो साइन थीटा कॉस थीटा रेशो के फॉर्म में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका मेन फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूले थे। कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा देखिए कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, मैं सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा चिंता मत करो, कि ये जो साइन का उल्टा होता है ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये अलग से भी लिखा दूंगा। कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि पी अपॉन एच अगर इसका फॉर्मूला है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला एच अपॉन पी इसका उल्टा होगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, उल्टा कर दो बी अपॉन एच है एच अपॉन बी। कॉट थीटा है वो टेन का उल्टा होता है, टेन का फॉर्मूला बी अपॉन पी अपॉन बी है तो इसका हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए, सर याद कैसे रखें, मेन बात तो यही है कि ये फॉर्मूले तो इतने सारे लिखा दिए, याद कैसे रखें कि हमें कैसे पता लगेगा सर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कैसे है, मैंने वर्ड बोला था स्ट्रेट, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। साइन से देखिए एस, एस से होता है स्ट्रेट, थीटा देखना है हमें थीटा के एकदम स्ट्रेट कौन है, स्ट्रेट कौन है, यानी एस से हमें पता लगेगा स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन है परपेंडिकुलर है तो ऊपर आएगा परपेंडिकुलर, नीचे सबसे बड़ी लेंथ का डिवाइड लगेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा सी से होता है कनेक्ट, अब थीटा के साथ में कनेक्ट कौन है, बेस है, इसका मतलब इसमें आएगा बेस, नीचे लगेगा डिवाइड हाइपोटेनियस का सबसे बड़ी लेंथ का, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हमें पता हो जाते हैं, बाकी फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। टेन थीटा जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें याद हुआ, टेन थीटा का फॉर्मूला सीधा आ गया, दोनों का डिवाइड लगता है सर परपेंडिकुलर और बेस आ जाते हैं, दोनों के ऊपर वाले पार्ट बच जाते हैं उसमें। जब हमें ये तीनों याद हो गए अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा क्या है साइन थीटा का उल्टा ही तो है, पी अपॉन एस था एच अपॉन पी कर दो, सेक थीटा था सर कॉस का उल्टा ही तो होता है, कॉस का उल्टा है तो उल्टा कर दो एच अपॉन बी कर दो, कॉट थीटा है टेन का उल्टा होता है तो टेन का उल्टा पी अपॉन बी था बी अपॉन पी कर दो। तो ये बातें हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे, ये फॉर्मूले हमें पता रखना चाहिए, हमें दिमाग में आ जाना चाहिए। साइन थीटा से स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन है, स्ट्रेट सर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आ गया। कॉस थीटा से देखो कनेक्ट कौन है, थीटा के साथ में कनेक्ट कौन है सर बेस है कनेक्ट, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। चीज दिमाग में सीधी आनी चाहिए, कोई ट्रिक नहीं है, सीधा से दिमाग में आना चाहिए। अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के कुछ फॉर्मूले, फॉर्मूले वही जो हमने अभी देखे थे कि सर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा कौन है, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं सर कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, दोनों एक ही बात है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो कॉस थीटा का फॉर्मूला वन अपॉन सेक थीटा होता है,
ठीक है, या फिर ऐसे भी बोलूँ तो sec थीटा है वो 1/cos थीटा भी होता है, ठीक है, तो दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan थीटा है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है। tan तो देखो सर sin थीटा अपॉन cos थीटा था, तो इधर हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इन दोनों से एक और नया फॉर्मूला आने वाला है, देखो tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा है, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा है, यानी कि tan थीटा cot थीटा भी आपस में क्या है, उल्टे हैं ना, आपस में रेसिप्रोकल है। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले, अभी तो ये जनरल फॉर्मूले हैं केवल, ये फॉर्मूले हमें किसी भी हालत में बोलने नहीं हैं, हमें पता रखना है सर tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सर cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा सर क्या होता है, 1/sec थीटा होता है, सर sin थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, सर tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा भी होता है। ये फॉर्मूले हमें भूलने नहीं है, ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, यही हेल्प करेंगे हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिगोनोमेट्री टेबल बनाना सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन एकदम होंगे, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम सारे बेसिक क्लियर करते हुए, लेकिन उससे पहले हमारा जो टॉपिक क्लियर हो जाए तो हमें क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जो बीच में एग्जाम्पल लेने होंगे वो एग्जाम्पल मैं बीच में अपने आप से लेता रहूँगा। पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम बनाना सीख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में देखिए, पहले हम सारे मेंबर लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इधर एंगल लिख लेते हैं हम 0 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये इधर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये जो एंगल लिखे हैं सर, यही एंगल क्यों लिखे, ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, इन्हीं एंगल से हम दूसरे एंगल निकाल सकते हैं और इन्हीं एंगल के लिए हमें वैल्यू पता रखनी है। यहाँ पे कुछ टेबल बनेगी, टेबल के अंदर सबकी अलग अलग वैल्यू होगी, देखिए साइन 0 की वैल्यू होगी सर, साइन 30 की वैल्यू होगी सर, साइन 45 की वैल्यू होगी, ऐसे वैल्यू हमें सीखनी है। देखिए हम वैल्यू कैसे सीखेंगे इसकी, हमें क्या करना है, हमें पहले साइन थीटा की एक रो बनाता हूँ, वो साइन थीटा की रो हमें बनानी सीखनी है। देखिए साइन थीटा की सर वैल्यू क्या क्या आएगी इसमें, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, साइन 0 डिग्री बोलूँगा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आएगी देखिए, हमें पहले क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे तो हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर सबके अंदर हम 4 का डिवाइड लगा देते हैं, ये 4 का डिवाइड लगा, ये 4 का डिवाइड लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लग गया। जैसे ही 4 का डिवाइड लगा, अब सारों में रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट तो लेना आता है सभी को, जैसे स्क्वायर रूट लिया, अब स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए 0/4 तो 0 होता है, 0 के अंदर किसी का भी डिवाइड लगे वो 0 ही होता है। देखिए यहां पे एक और बात बता देता हूं, 0 के अंदर किसी का डिवाइड लगे वो 0 ही होता है, लेकिन अगर किसी नंबर में 0 का डिवाइड लग जाए वो 0 नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इसका, इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं, मतलब खत्म नहीं होगा, वो डिवाइड लगता रहेगा। ये एक अलग कंसेप्ट है, कभी देखेंगे कि इसमें अलग वीडियो में बताएंगे आपको कि एक अलग कंसेप्ट है, उसको भी बताएंगे। तो अभी के लिए हम पता रखना होगा कि 4/0 यानी 0 का किसी में डिवाइड लग जाए तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0/4 0 आएगा, 0 का रूट 0 होता है, 1/4 यानी कि रूट अलग अलग लेंगे, 1 का रूट 1 ही होता है, और रूट 4 यानी कि रूट 4 वो क्या होता है, 2 होता है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2। यहाँ पे देखिए 2 से पहले डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 1/2 आएगा, और 1 का रूट और रूट 2 यानी कि 1/√2 यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/√2। यहाँ पे देखिए रूट 3 तो आएगा, रूट 3 क्योंकि रूट 3 को होता नहीं है कुछ वैल्यू, रूट 4 जैसे ही लूंगा रूट 4 आ जाता है वैल्यू 2। 4/4 का डिवाइड लगता है 1 आता है, रूट 1 1 ही होता है,
यहाँ पे आता है रूट वन, और रूट वन की वैल्यू वन ही होती है। तो हमारे पास एक साइन थीटा के एंगल के लिए टेबल आ गई कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू वन अपॉन टू, साइन ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पे सारी, ये जितनी भी वैल्यू है थीटा की वैल्यू है सारी। थीटा की वैल्यू क्या क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू जो 45 आए और आगे लगा हुआ साइन, आगे लग जाता है साइन तो वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन रूट टू। मैंने पूछ लिया सर साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, सर रूट थ्री अपॉन टू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ सर वन, ऐसे बतानी है। जब हमें ये लाइन पता लग जाएगी अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम पूरी टेबल बना लेंगे, यही इसकी बात है। साइन होता है, अब इस टेबल के अंदर देखिए साइन की जो वैल्यू आई है कॉस की वैल्यू जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी। अब उसको पीछे से खींचो, पीछे से देखो वन है तो साइन कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू वन होती है। टेबल बनाना सीख रहे हम। सबसे पहले देखिए बोर्ड एग्जाम जो टेंथ का होता है, सबसे पहले आप पीछे एग्जाम में जब भी दो या किसी भी एग्जाम को करो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सबसे पहले कहीं ना कहीं हम टेबल बना लेंगे। बोर्ड की कॉपी में हमेशा टेबल पीछे की साइड बनाना, बाकी आप कहीं पर भी बनाओ लेकिन बोर्ड की कॉपी में पीछे की साइड बननी चाहिए। सबसे पहले काम आपका यही रहेगा कि पीछे की साइड बना के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉस जीरो डिग्री वन आ जाता है, जस्ट इसका उल्टा कीजिए। फिर 60 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वही वैल्यू 30 डिग्री की हो जाएगी कॉस के लिए। यहाँ पे वैल्यू वन अपॉन रूट टू, ये यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू, यानी कि इस लाइन को जस्ट उल्टा चलाना है, ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर सर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए देखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जीरो का वन में डिवाइड लगेगा, जीरो का वन में डिवाइड, सर जीरो में किसी का डिवाइड लगे तो जीरो ही आता है, ठीक है। इसका डिवाइड लगाते हैं, वन अपॉन टू का डिवाइड लगेगा रूट थ्री अपॉन टू, जिसको डिवाइड नहीं लगाना था वो इधर देखिए कि वन अपॉन टू का डिवाइड लगा रूट थ्री अपॉन टू, देखिए टू से टू कैंसिल हो जाता है, या फिर ऐसे नहीं समझते हैं तो ये मेन अपॉन है, मेन अपॉन के बाद में देखिए रूट थ्री अपॉन टू है, जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल बन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि रूट थ्री अपॉन टू है तो ये टू अपॉन रूट थ्री बन जाएगा, यानी टू से टू कैंसिल, वैल्यू आ जाती है वन अपॉन रूट थ्री, तो ये वैल्यू आती है वन अपॉन रूट थ्री। ऐसे हम जब वन अपॉन रूट टू का, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसका इसमें डिवाइड लगाना है, वन अपॉन रूट टू दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, वन आ जाएगा आंसर। इसका इसमें डिवाइड लगेगा रूट थ्री अपॉन टू और वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाता है, रूट थ्री अपॉन वन, देखिए इधर देखिए इसको, रूट थ्री अपॉन टू डिवाइड लगेंगे वन अपॉन टू का, ये वन अपॉन टू है ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल बन जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू मल्टीप्लाई टू अपॉन वन, टू से टू कैंसिल हो गया रूट थ्री आ गया, तो ये बन गया रूट थ्री। वन अपॉन जीरो, सर जीरो का किसी में डिवाइड लग जाता है, अभी सीखा था क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, अनडिफाइन होता है, वो ख़त्म नहीं होता, ये सोया वहाँ एट नहीं है, ये इन्फाइनाइट का सिंबल है। सर वन अपॉन जीरो क्या होता है, सर उल्टा लेटा हुआ एट, नहीं गलत बात है, वन अपॉन जीरो इन्फाइनाइट होता है, ये इन्फाइनाइट का सिंबल है, ध्यान रखेंगे। कॉट थीटा है, अब कॉट थीटा क्या चलेगा, कॉट थीटा चलेगा इस टेन थीटा का उल्टा, देखिए टेन थीटा का उल्टा वहाँ पे कौन है, अब उसको खींच के यहाँ पे लेके आइए, ये इन्फाइनाइट, ये वैल्यू यहाँ पे रूट थ्री, ये वन की वन, ये वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन रूट थ्री, ये जीरो की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा फॉर्मूला था सर, सेक थीटा का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, हमने तो कॉस थीटा का देखा था, सेक थीटा का कहाँ पे देखा था, कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा होता है, मैंने वहाँ पे बोली थी चाहे कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा हो या फिर सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा हो, एक ही बात है। तो अब हमें सेक थीटा है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा करो, वन का उल्टा कौन होता है, वन ही होता है, रूट थ्री अपॉन टू, रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा कौन होता है, टू अपॉन रूट थ्री होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या लोगे, इसका रेसिप्रोकल इसको पलट दो, वन अपॉन रूट टू को पलटोगे तो रूट टू आएगा, यहाँ पे वैल्यू वन अपॉन टू को पलटोगे तो टू आएगा, जीरो को पलटोगे, जीरो को पलटोगे कैसे, जीरो है वन अपॉन जीरो, अब वन अपॉन जीरो क्या होता है, वन अपॉन जीरो तो सर इन्फाइनाइट होता है, तो ये इन्फाइनाइट आएगा यहाँ पे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला अब इसको खींच लो, देखिए इन्फाइनाइट टू रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री वन,
तो ये इस तरीके से पूरी टेबल बनती है। इस तरीके से ये पूरी टेबल बन जाती है हमारी। हमें केवल इतना ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है हमें। ये कंसेप्ट जब समझ में आ जाता है तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। अब हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो होगा, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे हम चलेंगे और कुछ कंसेप्ट उसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।